तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहला एप्लीकेशन देखा था, ठीक है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन क्या है, देखिए, व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। तो यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स ब्रिज है ऐसा, ये कॉन्वेक्स ब्रिज है, ठीक है, ओके। और जिसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, ये कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज जो है इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं एक व्हीकल है और ये व्हीकल यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ओके, ये व्हीकल यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर रहा है। और मान लेते हैं ये जो व्हीकल है इसका मास जो है m है, ठीक है। m इज़ व्हाट, मास ऑफ व्हीकल, एंड व्हाट इज़ r, r इज़ रेडियस ऑफ दिस ब्रिज। तो r क्या है यहाँ पर, r इज़ रेडियस ऑफ दिस ब्रिज, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पता करना है, देखिए, जब ये व्हीकल बहुत कम स्पीड से यहाँ से ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है, इसका स्पीड अगर कम है तो क्या होगा, ये जो है ये आराम से ऐसे जो है कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर से ऐसे आराम से जो है ये ब्रिज को पास करके आराम से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका स्पीड एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा हुआ तब क्या होगा, देखिए, तब क्या होगा दोस्तों, तब ये जो व्हीकल है यहाँ से यहाँ तक तो आराम से जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे जंप करने के चांसेस है इधर, ठीक है, ओके। तो यहाँ हमें क्या पता करना है, हमें इस व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड पता करना है, इस पॉइंट पर इसका मैक्सिमम स्पीड पता करना है, ताकि ये जो व्हीकल है ये यहाँ से जंप ना करे, ये आराम से इस ब्रिज के कांटेक्ट में रहकर ही ऐसे इसको पास करे, ठीक है, ओके। तो हमें क्या पता करना है, फिर से एक बार देखिए, हमें यहाँ पर पता करना है ये जो व्हीकल है इसका यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट पता करना है, ताकि ये जो व्हीकल है ये व्हीकल यहाँ से जंप ना करे, ठीक है, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जब व्हीकल है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ये पता करना होगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखिए ये जो व्हीकल है यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा एम जी, और ये जो ब्रिज है ये ब्रिज इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक है। मतलब ये जो व्हीकल है इस व्हीकल पर सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक इसका वेट एम जी और दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन। अब दोस्तों क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ ये जो व्हीकल है ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, हाफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ओके। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सर्कुलर मोशन है, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए इसको सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होगी। तो ये नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आएगा, देखिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, देखिए, तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ऐसे तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, जो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है वही नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसे निकलेगा, ये एम जी माइनस एन ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, वो होगा एम जी माइनस एन, एम जी माइनस एन, और यही हमें नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ओके। नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय एम जी माइनस एन। तो ये एम जी माइनस एन किसके बराबर होगा, ये होगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, क्योंकि ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, ठीक है। अब दोस्तों जब ये स्पीड जो है वी, ये जब मैक्सिमम हो जाता है तो ये जो व्हीकल है ये जंप करने वाली है उस टाइम पर, मतलब इसका इससे कॉन्टैक्ट जो है वो लूज़ हो जाता है। जब ये स्पीड मैक्सिमम स्पीड पर चला जाता है तब ये जो व्हीकल है इसका यहाँ से कॉन्टैक्ट टूट जाता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तब। मतलब देखिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन पुट करनी है आपको, जब वी मैक्स हो जाता है, ओके, तब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तब, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो अगर आप ये दो कंडीशन यहाँ पर पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा एम जी माइनस मिलेगा यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू क्या मिलेगा एम, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मिलेगा आपको यहाँ पर आर, और यहाँ से आपको वी मैक्स के लिए इक्वेशन मिल सकता है। और वी मैक्स के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, अगर ये आर को उधर भेजते हो आप, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएगा, आर उधर जाने के बाद आपको मिलेगा ये जी आर इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों वी मैक्स के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा, अगर दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर या आर जी। इसका मतलब क्या है कि ये जो व्हीकल है इस व्हीकल का स्पीड अगर स्क्वायर रूट ऑफ जी आर जितना हो जाता है तो ये जंप करने के लिए तैयार है आप, ठीक है, ओके। मतलब अगर इस कार का स्पीड इससे कम हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर से कम हुआ, तो ये क्या करेगा, ये आराम से सर्कुलर मोशन सेफली करेगा, ये जंप नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका स्पीड इतना हो जाता है तो ये जंप करने के लिए तैयार है, और इसका स्पीड जो है वो इससे बढ़ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर से अगर इसका स्पीड बढ़ जाता है तो ये जंप करेगा 100%। तो ये जो है इस कार के लिए स्पीड लिमिट है, ओके। तो इसको अगर आपको ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है तो आप क्या बोल सकते हो, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे दिखाओ, ये व्हीकल का स्पीड दिखाओ, यहाँ पर m मास है, r रेडियस है, और हमें यहाँ पर क्या पता करना है, Vmax पता करना है, ठीक है। अब दोस्तों फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर वेट लगेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। अभी व्हीकल जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, एम जी माइनस एन करेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए ये एम जी माइनस एन क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा, क्योंकि ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो अगर एन की वैल्यू यहाँ पर जीरो होती है तब वी कितना होता है, Vmax जितना होता है। ये दो कंडीशंस आप यहाँ पर पुट करोगे तो फाइनली आपको देखिए कुछ इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
और अपने वर्ड्स में, अपने हैंड राइटिंग में, अपने नोट्स में उतारिए इसको, ठीक है। सो दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर व्हीकल टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ब्रिज। मतलब अगर व्हीकल इस स्पीड लिमिट से कम स्पीड पर चलाएगा तो रिस्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।